साथियों, मैं आज आसिफ खान के बारे में आपसे कुछ बात रखना चाहता हूँ। ये वो लड़का है जिसका 16 मई को सोहना के नज़दीक कत्ल कर दिया गया था। अच्छा खासा लंबा, 6.5 फुट का लंबा और बहुत अच्छी सेहत जिसकी थी, और एक अपना जिम चलाता था नूह में रहने वाला एक लड़का, खेड़ा खजरपुर का था। आज मैं उसके घर गया, उसके पिताजी से मिला, उनके ताऊ जी से मिला, और करीब 20 लोग और गांव के आ गए थे, उनसे मेरी बातचीत हुई। सबसे पहले तो मुझे उस लड़के को जिस तरीके से मारा गया, 7 बजे के करीब वो गाड़ी से चला के जा रहा था, तो 15-20 लोगों ने उसको घेर लिया और गाड़ी में से निकाल के अपनी गाड़ी में किडनैप करके ले गए, और फिर और बड़ी तादाद में कुछ लोग और जमा हो गए और उसको मारा। बहुत पेनफुल तरीके से मारा, सरियों से मारा, नुकीले औजारों से जिससे अपन गुड़ काटते हैं, उसके पूरे शरीर में छेद कर दिए, हड्डियां तोड़ दी, और एक गोली का भी निशान पाँव में था। तो मैंने पहले खबर की थी, मुझे अंदाज था कि शायद वो 22-23 साल का था, वो 29 साल का था। उसकी 3 बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, 12वीं तक पढ़ी है, अच्छा परिवार है। इसके ताऊ जी गाँव के सरपंच रह चुके हैं। उस गांव की आबादी में मुसलमान तो 25% ही है, बाकी हिंदू परिवार है, और उन सबके सपोर्ट से ही वो बने थे सरपंच। तो ये गांव हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल था, सबसे अच्छे ताल्लुकात थे इस परिवार के। लेकिन लड़का जरा दबंग, किसी दबंग जरा सेहत अच्छी थी, तो गांव के बाकी लड़कों से कुछ बीच में मनमुटाव हो गया, तो फिर थोड़ा फासला हो गया लोगों में आपस में। लेकिन किसी वजह से उन लोगों ने इससे बदला लेने का ये तरीका निकाला कि ना केवल उन 4-6 लड़कों की जिनसे गांव में इसकी कभी 2-4 साल पहले मनमुटाव हो गया था, बल्कि उनकी मदद के लिए ऐसे लोगों को बुलाया गया जिनके क्रेडेंशियल्स पर ही शक है कि वो लोग खुले दिमाग के थे, कहीं जातीय द्वेष तो नहीं था उनमें। ये एक बात और समझ में मुझे आई, तो ये ज़्यादा पेनफुल थी। खैर, वो लड़के का दुख अपनी जगह है, और बदकिस्मती यह है कि आज तक सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं दिया गया। हालांकि लड़के के माता पिता को इस बात का सुकून है कि पुलिस सही तहकीकात कर रही है। 14 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 7 गांव के हैं, 7 दूसरे गांव के हैं, और वो जो लोग गिरफ्तार गांव के किए गए, उन्हीं ने जिनके नाम बताया उनको गिरफ्तार किया गया है। तो एक आस्पेक्ट तो मसले का यह है कि इस लड़के के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया, हालांकि पुलिस सही तरीके से इसकी जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन हुकूमत की तरफ से, सरकार की तरफ से जो मुआवजा मिलता है इस प्रकार की बेरहमी से कत्ल किए जाने वालों को, वो कोई पैसा नहीं मिला। तो एक तो मेरी अपील आज, फिर उसके बाद मैं वहाँ के एमएलए से मिलने चला गया। आफ्ताब साहब हैं नूह में, वो घर पे मिले नहीं, चंडीगढ़ गए हुए थे। जो पूर्व एमएलए हैं जाकिर, उनके घर भी गया तो वो भी नहीं मिले। वो बीजेपी में आ गए हैं, पहले कांग्रेस में थे, वो बीजेपी में हैं, इन दिनों चुनाव हार गए थे पिछला चुनाव, तो उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई। वरना उनसे कहता कि आप लोग इस बच्चे को जो कायदे कानून से मुआवजा मिलता है किसी विक्टिम को, वो मिलना चाहिए, और उस लड़की को, उसकी वाइफ 12वीं तक पढ़ी है, तो कोई ना कोई नौकरी मिल जाए। तो एक आस्पेक्ट तो ये हुआ। इससे भी डिस्टर्बिंग एक और बड़ी खबर है जो बड़ी खौफनाक है, वो ये है, इस गाँव से 3-4 किलोमीटर दूर पर एक गाँव है इंदिरी, इंदिरी उस गांव में करीब 3,500 वोट हैं हिंदुओं के, और करीब 150 वोट हैं वहाँ पे मुसलमानों के। अच्छे ताल्लुकात थे पहले, एक गांव और उसमें जुड़ा हुआ था, उसके 900 वोट थे मुसलमानों के। तो कुल मिला के इन तीनों गांव के मिला के करीब 1/3 मुसलमानों के वोट थे और बाकी हिंदुओं के वोट थे, और मिलजुल के लोग रहे हैं। लेकिन उसमें एक घटना ये घट गई कि 30 तारीख को, यानी इस लड़के के मर्डर के 14 दिन के बाद, एक बहुत बड़ी पंचायत लगाई गई। वो अगर हिंदू मुसलमान दोनों की होती तो अच्छा होता, लेकिन वो हिंदुओं की पंचायत थी, गांव के हिंदू तो कम थे उसमें। ये तमाम जिलों से, आसपास से आ गए, और हमें, जब मैं उस गांव गया, उनके सरपंच है कमल, उनसे मैंने बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि 5,000 गाड़ियां आई थी। तो गाड़ियों में तो आम आदमी तो नहीं चलता है, संपन्न लोग आते हैं, यानी उस इलाके का जो संपन्न हिंदू है वो आया, और किस लिए आया मेरी समझ से परे था। अगर उस लड़के के प्रति दुख जताने आया, या कुछ बेकसूर लोग पकड़े गए उनके बारे में
कुछ बात रखने आया तो पुलिस के पास जाना चाहिए था। इस गांव में पंचायत करके क्या चीज मैसेज देना चाहते थे। उसके बाद जो कुछ वीडियो निकले तो उसके बारे में सरपंच ने ये बताया कमल ने कि साहब वो वीडियो हमारी मंच के नहीं थे, कुछ ऐसे लोग आ गए थे जिनको हमने मंच पर नहीं बोलने दिया, बाहर मंच के बाहर उन्होंने बहुत गलत बातें कही, ये सरपंच ने भी कहा। और एक आदमी अंदर मंच से जरूर बोलने लगा, उसको हमने रोक दिया। तो मैंने कहा फिर इतने लोगों को बुलाने की ज़रूरत क्या थी, इसके पहले दो पंचायतें आप लोग ऑलरेडी कर चुके थे, एक सोहना के नज़दीक एक पलवल के नज़दीक। तो अगर आपको पुलिस से यही कहना था कि बेकसूर लोगों को गिरफ्तार ना किया जाए तो आप लोग को टीम बना के लोगों के पास चले जाते। तो ये क्या बात है कि आपने इतनी बड़ी पंचायत कर डाली। तो खैर उन्होंने तो अपने मुँह से कुछ बताया नहीं, लेकिन ये कठिन बात नहीं है कि इससे पूरे इलाके में एक तनाव का खौफ का माहौल पैदा हुआ है। आप जबान से ना बोल रहे लेकिन एक खास किस्म के लोगों की मौजूदगी, और वो भी उस लड़के के परिवार के प्रति दर्द जाहिर ना करके, सिर्फ बात ये कहना कि सब बेकसूर को ना पकड़ा जाए वरना हम देख लेंगे, ये क्या बात है। तो ये मैं समझता हूं कि ये चीज खत्म होनी चाहिए। मैंने सरपंच से जाके ये विनती की कि अभी चलो हिंदुओं ने पंचायत कर ली, अब आप एक पंचायत मुसलमानों की हिंदुओं की दोनों की बुला लो। तो उसको बात कुछ ठीक लगी, हालांकि उसने कमिट तो नहीं किया हम बुलाएंगे, लेकिन बोले हमारे सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं। हमने कहा कि इसी की ज़रूरत बना के रखो। एक बात मैंने और रखी उनके सामने, हमने कहा कि अभी मैं शाहजहाँपुर गया था धरना देख, वहाँ किसानों का धरना चल रहा है, उस धरने में मुसलमान और हिंदू दोनों शरीक थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन को, किसान आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए ये दरार डाली जा रही है। अगर ये होता है तो ये बहुत ही बुरा होगा देश के लिए। लिहाजा इसकी पूरी कोशिश करें कि इस मसले को हिंदू मुस्लिम द्वेष या दरार में न बदला जाए। ये मैं बात रख के आया हूँ उनसे, और अभी मैं वहाँ से चले ही आ रहा हूँ। लेकिन आज मैं मायूस हूँ कि जिस मेवात में आज से 6-7 साल पहले डींगरहेड़ी में एक गरीब मुस्लिम परिवार के दो लोगों का कत्ल हुआ था, उसके बाद से कोई ऐसी घटना नहीं घटी बेजा घटना। पहलू खान का कत्ल हुआ था, लेकिन पहलू खान का कत्ल रहने वाले तो मेवात के थे, लेकिन कत्ल उनका अलवर जिले में हुआ था। लेकिन बदकिस्मती तो देखो कि अब ये इस इलाके में जो पीसफुल इलाका है उसमें इतना बुरी दुर्घटना घटी, और एक तरीके का पोलराइजेशन का बिल्डअप चल रहा है वहाँ पर, उसको रोकने की ज़रूरत है। कई हिंदू मुसलमान इस बारे में दुखी हैं, और मैं चाहता हूं कि जो सही सोचने वाले हिंदू और मुसलमान हैं उस इलाके के, वो अपने में ताकत लाएं और इस प्रकार के पोलराइजेशन को रोकें। यही मेरी ख्वाहिश है। एक बात आखिर में चलते चलते और मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त वहां पर पढ़ाई लिखाई का माहौल ज़ीरो है, 1.5 बरस हो गया, और उसकी वजह से एक पूरी नस्ल शिक्षा के दायरे से बाहर होने के कगार पर है। तो मिलजुल के लोग इस सवाल पर फोकस करें ताकि बच्चे आवारा ना बने, और इस प्रकार की लिंचिंग आखिर घर के लोग ही तो करते हैं, हमारे आपके घर के बच्चे ही तो करते हैं लिंचिंग या मारपीट या कत्ल। ये चीज़ हम अपने बच्चों को संभालेंगे अगर हम उनको सही लाइन पे, सही तालीम देंगे, सही रास्ते पे ले जाएंगे, काम धंधे में लगाएंगे, तो आवारा नहीं बनेंगे हमारे बच्चे। ये मैं दूसरी अपील करना चाहता हूँ कि मेवात में स्कूलों को जल्दी से जल्दी खुलवाने की कोशिश की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।